सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कैसे अपने फसल के लिए बीमा कराना है, चाहे वो धान की खेती किए हो या फिर मक्के का किए हो। आप ₹1 का पेमेंट करके अपने फसल का बीमा करवा सकते हैं। तो कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना पड़ता है, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। साथ ही दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए या फिर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करें। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार का अपडेट देते रहता हूँ, इसलिए इसे ज्वाइन जरूर करें। और किसी प्रकार का क्वेश्चन हो या फिर कंफ्यूजन हो तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे पूछ सकते हैं। अपने फसल का बीमा करने के लिए आप लोग कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे सर्च बार में लिखना है पीएम फसल बीमा योजना CSC, लिख करके सर्च करना है। अब यहाँ पे जो आप लोग का फर्स्ट लिंक मिल जाता है CSC लॉगिन का, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का जो है एक पेज खुल जाता है जिसमें CSC कनेक्ट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। अब आप लोग जो है लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो अपने यहाँ पे CSC के यूजर ID को इंटर करेंगे। आप लोग का पासवर्ड क्या है, पासवर्ड को फिल करना है। कैप्चा जिस टाइप का है कैप्चा को फिल कर लेना है एंड साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइनिंग होने के बाद कुछ इस तरह का पेज आ जाता है आप लोग के सामने। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यहाँ पे जो एक बॉक्स नजर आ रहा होगा इस बॉक्स पे टिक करना है। देन यहाँ पे सबमिट वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाता है। तो ऊपर में आप लोग को जो है एक एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद CSC एप्लीकेशन में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन मिलता है, यानी कि एक आइकन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। अब आप लोग के सामने जो है रजिस्ट्रेशन यानी कि फार्मर रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाता है, जिसमें सबसे पहले तो आप यहाँ पे बैंक के डिटेल्स को फिल करेंगे। तो सबसे पहले सर्च बैंक बाय IFSC में यहाँ पे यस को टिक करेंगे। उसके आपके बैंक अकाउंट का जो IFSC कोड है, यानी कि आपका बैंक का जो IFSC कोड है, उसको यहाँ पे फिल करेंगे एंड वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई वाले पे क्लिक करते हैं, आप लोग का बैंक का सारा डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि आपका बैंक जो है किस स्टेट का है, उस स्टेट का नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, बैंक ब्रांच क्या है, कौन सा बैंक है, ये सब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आप लोग अपने बैंक अकाउंट नंबर को भरेंगे, यानी कि खाता संख्या को फिल करेंगे। सेम यहाँ पे कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर को भरना है। उसके बाद जो है स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे यहाँ पे चेक बैंक डिटेल्स एंड कंटिन्यू का जो है एक आइकन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। अब आप लोग का बैंक अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाता है। अब आप लोग नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फार्मर डिटेल्स को फिल करना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे नेम एज पर पासबुक, यानी कि आपके बैंक अकाउंट यानी कि खाता में जो है क्या नाम है, उस नेम को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नेम एज पर आधार, आपके आधार में क्या नाम है उसको यहाँ पे भरना है। एंड यहाँ पे आप अपने आधार संख्या को फिल करेंगे एंड उसके बाद वेरीफाई वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। जब आप लोग का आधार नंबर वेरीफाई हो जाता है, तब आप लोग यहाँ पे रिलेशन टाइप को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि सन ऑफ है या फिर क्या है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपको जो है आधार कार्ड के पीछे साइड मिल जाएगा, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो है रिलेशन के नेम को फिल करना है। तो रिलेटिव का नाम जो है आपके आधार कार्ड में मिल जाएगा, यहाँ पे फिल करना है। एंड यहाँ पे जिनका आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, उनका एज कितना हो रहा है, उनके उम्र को यहाँ पे लिखेंगे, मेल है कि फीमेल है यहाँ पे जेंडर में सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद कास्ट कैटेगरी में OBC से आते हैं, जनरल से आते हैं, ST SC से आते हैं, जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद यहाँ फार्मर कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो फार्मर कैटेगरी में यदि आप लोग का जमीन जो है दादा परदादा का है तो यहाँ पे ऑनर को ही सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे फार्मर टाइप को सिलेक्ट कर लेना है। इतना कर लेने के बाद अब आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पे जो है रेसिडेंटल एड्रेस मांगा जाता है, तो सभी को एक एक करके फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपने स्टेट के नेम को सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट क्या है डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद
आप अपने विलेज के नेम को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आप लोग का एरिया का पिन कोड क्या है पिन कोड को यहाँ पे फिल करना है, एंड उसके बाद एड्रेस में आप अपने पूरे पते को यानी कि फुल एड्रेस को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स मांगा जाता है, यदि आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, यदि नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो देख रहे हैं डिक्लेयर नॉमिनी लेटर, इसमें एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, इस बॉक्स को टिक करना है। अब आप लोग सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग के सामने जो है थर्ड स्टेप खुल जाता है, यानी कि क्रॉप डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपने स्टेट के नेम को सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट क्या है डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक के नेम को सेलेक्ट करना है, उसी प्रकार से आप यहाँ पे पंचायत के नेम को सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे आप अपने विलेज के नेम को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप लोग यहाँ पे क्रॉप को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आप मक्के की खेती किए थे या फिर धान का खेती किए हुए हैं, किसके लिए आप लोग जो है बीमा करवा रहे हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे धान को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ पे किस डेट पे जो है आप लगाए थे यानी कि बुआई किए थे उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद आप अपने खाता नंबर को यहाँ पे भरेंगे, आप लोग का प्लॉट संख्या क्या है यहाँ पे प्लॉट संख्या को भर लेना है, एंड उसके बाद आप लोग जो है कितने एरिया का इंश्योरेंस करवा रहे हैं यानी कि बीमा करवा रहे हैं उतना एरिया को यहाँ पे फिल कर देना है। यदि एकड़ में है तो यहाँ पे एकड़ में लिख सकते हैं, डिसमिल में है तो डिसमिल में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लिख लेने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इंश्योरेंस का जो है अमाउंट वगैरह यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है। अब आप लोग नीचे जो देख रहे हैं ऐड क्रॉप का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप लोग का जो है क्रॉप डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाता है। उसके बाद चार नंबर में एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो यहाँ सबसे पहले आप अपने बैंक पासबुक को जो है अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो आप लोग अपने फाइल में रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से आप अपने पासबुक को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड उसी प्रकार से यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड को अपलोड करना है यानी कि अपने जमीन के रसीद को अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से आप लोग जो है अपने फाइल में रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपने जमीन के रसीद को सिलेक्ट करेंगे एंड ओपन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सोइंग सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, तो इसको भी अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। अब आप लोग फिर से जो है अपने फाइल में रिडायरेक्ट हो जाते होंगे, तो यहाँ से सोइंग सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है एंड ओपन पे क्लिक कर लेना है, एंड उसके बाद यहाँ पे टेनेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, तो इसको भी अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप अपने फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड ओपन पे क्लिक कर लेंगे। जब चारों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स के साइड में जो अपलोड का आइकन देखते होंगे ये सब में क्लिक करना है। जब आप लोग का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है तो कुछ इस प्रकार से जो है राइट टिक आ जाता है, यानी कि आप लोग का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है। तो सेम प्रोसेस जो है सभी में करना है, तो सभी को इसी प्रकार से जो है अपलोड पे क्लिक करके सभी को अपलोड कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पे जो प्रीव्यू का आइकन मिल जाता है इस पर क्लिक करना है। अब आप लोग के सामने जो है प्रीव्यू पेज खुल जाता है, तो सभी को एक बार रिचेक कर लेना है, कहीं भी कोई मिसमैच नहीं करना है। जब सारे चीज़ों का आप लोग मिलान कर लेते हैं तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है, नीचे जो सबमिट का आइकन मिल जाता है इस पर क्लिक करना है। अब आप लोग के सामने एक पॉपअप आ जाता है, तो नीचे यहाँ पे जो मेक पेमेंट का एक ऑप्शन देखते हैं इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग अपने सीएससी के पासवर्ड को इंटर करेंगे। जब आप लोग पासवर्ड को फिल कर लेते हैं तो नीचे जो वैलिडेट का आइकन मिल जाता है इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट में यहाँ पे आप अपने सीएससी के पिन को इंटर करेंगे एंड उसके बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। पे करने के बाद कुछ इस प्रकार से जो है पेमेंट सक्सेस लिखा हुआ आ जाता है। अब आप लोग जो है फिर से जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाले पेज में फिर से रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यदि आप लोग रिसिप्ट को जो है डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो प्रिंट का आइकन मिल जाता है इस पर क्लिक करना है। अब आप लोग के सामने जो है इस प्रकार का एक रिसिप्ट जनरेट हो जाता होगा, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे जो प्रिंट का एक आइकन मिल जाता है इस पर क्लिक करना है। और जिनका आप लोग फसल बीमा का जो है आवेदन कर दिए हैं उनको प्रिंट निकाल करके दे देना है। तो आई होप इस वीडियो में आप लोग को पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो है अपने फसल का किस प्रकार से बीमा करवाया जाता है या फिर दूसरे का किस प्रकार से करवाया जाता है। वीडियो यदि आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।